नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। रविवार को इंदिरा गांधी कला केंद्र ऑडिटोरियम नोएडा में वार्षिक सभा द्वारा एक महासभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष होता है। कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि दिल्ली एनसीआर में रह रहे सभी वार्षिक समाज के लोग एक दूसरे को जाने और कार्यक्रम में वार्षिक समाज की जो प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। इस कार्यक्रम में बच्चों को और वार्षिक समाज की उभरती हुई प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान यहां मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर महेश शर्मा, मंत्री व सांसद नोएडा, अति विशिष्ट अतिथि शिखा दरबारी IRS, विशिष्ट अतिथि तुषार नारायण IRS, श्री आशीष वार्ष्णे IRS मौजूद रहे। वार्षिक सभा के अध्यक्ष चंचल कुमार, महामंत्री संजीव वार्ष्णे, कोषाध्यक्ष अरविंद वार्ष्णे भी मेरी सहभागिता रही है। केडी गुप्ता जी कह रहे हैं या चंचल भाई कह रहे हैं, आना है, अब आना है, आदेश होता है मेरे लिए, क्या बड़ा आदेश होता है। और वास्तव में मुझे यहाँ आकर एक परिवार भाव का बोध भी होता है। आपके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला कि दास की उस महापंचायत में, उस महायोगी मैं कहूंगा, कहते हैं कि संत के कपड़ों में राजनीतिक तो बहुत देखे आपने, लेकिन राजनीतिक वेशभूषा में संत जैसा प्रधानमंत्री आज हमें मिला है। हमारा समाज किसी तरह से आगे बढ़ रहा है और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, थैंक यू सो मच। नाउ द वेलकम। इस बार वार्षिक समाज के कार्यक्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पवन आगरी जी की हास्य में दे दनादन ओपनिंग, डॉक्टर ममता वार्ष्णेय जी के दमदार गीत और गजल का आयोजन किया गया, शंभु शिखर जी की छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस और डॉक्टर प्रतीक गुप्ता का लाजवाब संचालन भी देखने को मिला। डेली डायरी की रिपोर्ट। मैं एक मंत्री के नाते नहीं, एक परिवार भाव से उनके बीच में हूँ और मुझे लगता है कि केडी गुप्ता जी, चंचल जी, वन्य जी, ये सब लोग मिलकर समाज के लिए कितना कुछ, देश के लिए कितना कुछ करते हैं, ये अपने आप में। नमस्कार, डेली डाइट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा में, जहां वार्षिक महासभा का एक सम्मेलन हो रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वार्षिक महासभा के महामंत्री संजीव कुमार वार्ष्णेय जी। सर, आप थोड़ा जो कार्यक्रम है इसके बारे में डिस्क्राइब करिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, हमारा कार्यक्रम बेसिकली नोएडा के वार्षिक बंधुओं को इकट्ठा करके एक सूत्र में पिरोने का है। हम समय समय पर ऐसे काम करते रहते हैं जिससे कि नोएडा स्थित वार्षिक परिवार एक दूसरे के साथ मिल सके, एक दूसरे को जान सके और आगे बढ़ सके। वार्षिक समारोह हमारा जो है इनमें सबसे बड़ा है। इसमें हम सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम रखते हैं, बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता, महिलाओं के लिए लेडीज म्यूजिकल चेयर, अच्छे बच्चों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार करते हैं, जिसको न केवल समाज बल्कि समाज के कई सदस्य अपने आप आगे आके उनको सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। इस वर्ष विशेष रूप से हमने जो हमारे समाज के प्रेरणा सूत्र रहे हैं श्यामाचरण जी, उनकी याद में एक कवि सम्मेलन किया है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कई कवि आकर अपनी कला का मंचन करेंगे। तो जैसा कि स्टेज पर बड़े बड़े IRS और बड़े बड़े अधिकारी थे, तो जिसमें देखा गया कि वार्षिक सभा आज के दौर में काफ़ी तरक्की कर रहा है। उस दौर का जो पहले का दौर था जहाँ वार्षिक में सारे बिजनेसमैन हुआ करते थे, आज अधिकारी भी हैं, और उस बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, मतलब जो स्टेज पर थे IRS शिखा वार्ष्णेय जी और सब जो लोग। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि वार्षिक समुदाय मुख्य रूप से व्यवसाय करने वाला समुदाय रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में, विशेष रूप से पिछले 10-15 सालों में एक ऐसी प्रवृत्ति हमारे आई है कि हम अपनी प्रतिभा का अपनी प्रतिभा को सभी क्षेत्रों में दिखाएं। आज वार्षिक लगभग सभी क्षेत्रों में है, वो पॉलिटिक्स में भी हैं, हालांकि कम है, सिविल सर्विसेज में भी कम है, दूसरी सरकारी सेवाओं में है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज में है। तो हम आज जो हमने मंच सजाया था उसमें हमारे जो स्थानीय सांसद हैं और मंत्री जी हैं, महेश शर्मा जी, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। हमने अपने समाज की विशिष्ट
प्रतिभाओं को, जिसमें शिखा दरबारी जी जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं आगरा में, और नव नियुक्त इनकम टैक्स ऑफिसर तुषार नारायण जी को बुलाया था। इसके अलावा एक यंग एंटरप्रेन्योर शुभम को भी हमने अपना अतिथि बनाया था, तथा श्यामाचरण वाष्णेय जिनकी याद में हम आज का कवि सम्मेलन कर रहे हैं, उनकी पत्नी ने भी हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जो आप हर वर्ष ये प्रोग्राम कराते हैं, इसका एक मोटिव क्या होता है? जैसे कि आप क्या चाहते हैं कि आगे हमारी जो पीढ़ी है वो बिजनेस से हट कर भी थोड़ा जो IAS IPS वाली पोस्ट है उसकी तरफ भी बढ़े, और जो आपका मेन मोटिव होता है इस प्रोग्राम को कराने का, जो जो दिक्कतें होती होंगी आपको वार्षिक सभा को इकट्ठा करने में, वो सारी चीज़ें बताइए थोड़ा। देखिए, दिक्कतें तो हर काम में है, और कोई भी आयोजन जो है बिना दिक्कतों के नहीं होता है, हम कोशिश पूरी करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि एटलीस्ट नोएडा के समुदायों को हम इकट्ठा कर सकें, तथा निकटवर्ती जो शहर हैं हमारे, जैसे दिल्ली है, साहिबाबाद है, गाजियाबाद है, उनके लोगों को भी हम बुलाएं और हम दिखाएं कि यहाँ के लोगों ने क्या तरक्की की है। एक्चुअली वाष्णेय जो मूल रूप से हैं वो अलीगढ़ मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, और वहाँ से जो बाहर निकले हैं वो मूल रूप से व्यवसाय में नहीं है, वो या तो सर्विस में है, या उन्होंने अपना कोई इंडस्ट्री खोला हुआ है, या क्या कहते हैं वो दूसरी सर्विस चले गए हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ का स्थानीय जो समाज है वो दूसरे वाष्णेय समाज से थोड़ा सा भिन्न है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सबको एक सूत्र में पुरोए, और उनके लिए समय समय पर ऐसे प्रोग्राम करते रहें ताकि लोग एक दूसरे को जानें, क्योंकि महानगरों की भीड़ में ये बहुत ही मुश्किल हो गया है, लोग पड़ोसी तक को नहीं पहचानते, तो अपने समुदाय के दूसरे लोगों को कैसे पहचानेंगे। इस हमारी पहचान का, हमारे जुड़ाव का एक नतीजा है कि हमारे MP और MLA जब हम ब्रांच आते हैं वो आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक ग्रुप है, एक बड़ा समुदाय है, और वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो हम धीमे धीमे स्थानीय शहर में अपनी ताकत का प्रभाव लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि भाई ये एक वाष्णेय समाज है, इसकी एक अपनी क्षमताएं हैं, यहाँ इसके सदस्य हैं, उनको आपको इकट्ठे कलेक्टिवली। हमारे साथ मौजूद हैं वाष्णेय सभा नोएडा के अध्यक्ष चंचल वाष्णेय जी। सर, आप ये बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब लोगों को, सब वाष्णेय कम्युनिटी को एकत्र करना, सबसे बड़ा कितना बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें आपको? बड़ा टेढ़ा टास्क है यार, सब लोगों को जोड़ना करना, लेकिन नो डाउट मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और समाज के लोग इकट्ठे भी होते हैं, तो मतलब कष्ट होता है लेकिन अच्छा लगता है। सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर ऐसे आयोजन कराते हैं, उसमें आपको कुछ दिक्कतों का सामना होता है? दिक्कतें आती हैं, लेकिन समाज सर्वोपरि है, अगर हम समाज से नहीं जुड़ेंगे तो समाज से कट जाएंगे, इसलिए उन दिक्कतों के बावजूद भी हमको समाज के साथ जुड़ के रहना चाहिए, हमें समाज को आगे लेके चलना चाहिए। वाष्णेय समाज पहले बिजनेस के लिए माना जाता था, लेकिन आज स्टेज पर देखा जैसे हमने IRS थे और अधिकारी भी मौजूद थे, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो चेंज आया है पिछले दौर में और आज के दौर में उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक समय था जब हम जो बनियाज हैं वाष्णेय हैं, हम ये कहते हैं कि भाई अब बिजनेस मैन ही होते हैं, है ना, लेकिन वो समय चेंज हो गया है। अब जो लेडीज़ हैं सब पढ़ी लिखी आ रही हैं, वो बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं, लिहाजा बच्चे एडमिन सर्विसेज में भी जा रहे हैं, तो मतलब वो रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है कि लोग IAS में, IRS में, इंजीनियरिंग में, मतलब काफ़ी बच्चे निकल रहे हैं, और अब काफ़ी समय चेंज हो चुका है। सर, एक जो मोटिव होता है प्रोग्राम कराने का आपका हर वर्ष, ये इतना बड़ा वाष्णेय कम्युनिटी का, सबसे बड़ा जो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, क्या वही मोटिव होता है कि जो नोएडा के, नोएडा में लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे को जाने, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि फ्लैट के आसपास में, आस पड़ोस में भी कोई एक दूसरे को नहीं जानता, उसके ये आपका मोटिव क्या है? मेरा मोटिव जानने का मकसद है इस प्रोग्राम को। नहीं नहीं, इसका मोटिव ये है, हमारा मोटिव ये होता है बच्चों को, मतलब सब लोग, हमारा जो NCR का समाज है, हमारे प्रोग्राम में NCR से लोग जाते हैं, आपकी एक्टिविटी होती है तो आपकी आइडेंटिटी बनती है। दूसरा, हम समाज इसलिए ये सब करते हैं कि बच्चों को प्रमोट करना होता है, हमारी यंगस्टर्स आ रहे हैं, हम उनको प्रमोट करते हैं, तो ये बेसिक चीज़ है कि बच्चों को प्रमोट करना, समाज में NCR में जाना है ना, ये हमारा बेसिक वो रहता है। जो हमारे वाष्णेय दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज की लेडीज़ हैं वो हम पूरा ध्यान देती हैं बच्चों पर, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती हैं, लेकिन शायद कहीं मिसिंग रह जाते हैं संस्कार, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको पढ़ाई के साथ संस्कार भी दें, सो दैट हमारा समाज आगे बढ़े, और सब बच्चे समाज से भी जुड़ें, वो पढ़ाई तक सीमित ना रहें, वो बच्चे समाज के साथ भी जुड़कर चलें, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं IRS तुषार नारायण जी, जिनसे हम जानेंगे
बनिए जो कि बनिए की खास पहचान होती है बिजनेस की, और बिजनेस से हटकर उन्हें अधिकारी बनने की सोची। बताइए सर हमारे दर्शकों को, कोई ये आपके अंदर कैसे इच्छा जगी कि आप अधिकारी बने? हाँ, आपका ऑब्जर्वेशन जो कि बिजनेस कम्युनिटी के लोग, मतलब बनिए लोग बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं, वो सही है, काफ़ी सही है। लेकिन अगर हम इस बार का UPSC सिविल सर्विस का लिस्ट उठा के देखें तो उसमें काफ़ी लोग बनिए कम्युनिटी से भी हैं। लाइक सारी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल बराबर ही है, तो ये बनिए कम्युनिटी से भी लोग आते हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी, मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँगा कि मेरी फैमिली में मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, तो वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं। मेरे चाचा जी, ताऊ जी सब लोग टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो इस तरह से मेरे परिवार में सारे लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो एक वो इनकरेज रहा और मेरे पिताजी ने कभी बचपन से ही इनकरेज किया। आपने देखा होगा कि नोएडा दिल्ली NCR की जो जनरेशन है वो एक दूसरे को जानती नहीं है, लेकिन यहाँ वाचने सभा का एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी वाचने लोगों को एकत्र करने की एक बड़ी अच्छा प्रयास किया गया, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है, और आई थिंक सारी कम्युनिटीज को ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जैसा